साहिबान मेहरबान कदरदान, खोलता हूँ अपनी कहानियों की दुकान। मैं हूँ आपका दोस्त जयेश और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो। कहानी का शीर्षक है दसवीं फेल और इसके लेखक हैं अजय राज सिंह। पिछले अध्याय में आपने सुना बबलू शुक्ला, डब्लू पांडे और प्रकाश नोटिस लेकर कोर्ट जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात राज से होती है। वो वाला नहीं, वकील राज। और उसकी सलाह से उनको पता चलता है कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। अब आगे अध्याय 10, त्रिकोण मिति। हाँ, कर लेंगे हम खुद ही कुछ, प्रकाश गुस्से में बोला। तो जाओ ना बे, डब्लू 10% और ज्यादा गुस्से में बोला। जो करना है, जहां करना है, जैसे करना है, कर लो, बस हमारे सामने मत आ जाना कभी, नहीं तो ऐसे निपटाएंगे कि निपट ही जाओगे। हाँ, डब्लू को अनदेखा अनसुना सब करते हुए प्रकाश बोला, कोनो माधुरी दीक्षित नहीं हो कि मर रहे हैं आपको देखने के लिए। कर लो बंटवारा, अब तो हमसे भी ना हो पाएगा आगे से ऐसा काम। समझ नहीं आता सिर है कि नारियल, साला कुछ घुसता ही नहीं इनके अंदर। अरे तंग आ गए हैं यार हम, अब तो कतई ना हो पाएगा हमसे। हर बार की तरह अगर ये आखिरी समोसे पर होने वाली लड़ाई होती तो सचमुच मजेदार होती, या कोई सपना जो सुबह खुली नींद के साथ गायब हो जाए। पर ये एक महाभारत था डब्लू और प्रकाश के बीच, साक्षात हमारे, जहां हम चाहते तो थे कि कृष्ण की भूमिका में आए, पर हम रह गए थे तो सिर्फ धृतराष्ट्र बनकर। अरे नहीं, पन्ने मत पलटो, कुछ छूटा नहीं है, हमने शुरू ही बीच में से किया है। वो फिल्मों में करते हैं ना, जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चलती है, वैसा कुछ। आधे घंटे पहले बात हुई मामा से, भरे दोपहर कोर्ट से हमारे लौटने पर प्रकाश ने पूछा, जिस जगह और स्थिति में हमसे ये सवाल पूछा गया था, माना जा सकता है कि प्रकाश की उत्सुकता किसी चरम पर ही रही होगी। अंदर आ जाए कि बाहर से ही बता दे तुमको सब, गाड़ी टिकाते हुए डब्लू कुछ बिफरा बिफरा सा बोला। एक तो वैवाहिक जीवन, उस पर सुबह सुबह एडवोकेट राज से मुलाकात। अब अगर डब्लू का बिगड़ना तर्कहीन है तो हम नहीं जानते तर्क संगत क्या है। तो भैया बिगड़ काहे रहे हो, हाँ? प्रकाश इस कोशिश में था कि माहौल मनाली हो जाए, ठंडा, इसलिए आगे बोला, अंदर आकर बता दो आराम से, पानी वानी कुछ लाए। अब तो जो हालत हो रही है, पानी से कुछ ना हो पाएगा, डब्लू कुर्सी थोड़ा करीब खींचकर बैठते हुए बोला। वो तो फिर रात होने दो, लगाते हैं महफिल। अब क्या महफिल लगाओगे, हम बोले, यहां तो शामियाना उजड़ने वाला है। अब कुछ बोलो तो हमारी भी जानकारी बढ़े, कौन सा शामियाना और क्या उजड़ने वाला है। प्रकाश का धीरज अब खत्म होने की कगार पर था। बेटा धंधे में मंदी आने वाली है, हमने समझाना शुरू किया। अच्छे दिन आकर चले गए, अब चमन बाबू तो जा रहे हैं जेल यात्रा पर, और उनके साथ ही बह जाएगा अपना लाखों का धंधा। वो तो शुक्र है काली माँ का कि हम सब भी घेरे में नहीं आ गए, नहीं तो जो सब हाथ से जाता वो तो ठीक, हाथ में हथकड़ी लगती अलग से। हाँ, लेकिन कोई ना कोई तो आएगा उनकी जगह पर कौन जाने कब। और तो और अगर समय से आ भी जाए तो क्या पता लक्ष्मी को पूजेगा कि हनुमान को। प्राइवेट काम का तो पता ही है तुमको, एक तो मार्जिन इतना कम, ऊपर से समय की पाबंदी अलग, क्वालिटी का भूत अलग दिक्कत देता है इन्हें, कम वक्त चालू काम में लगे पैसे भी डुबत ही दिख रहे हैं, हम आगे बोले। एक तो वैसे ही इनके चेक लेने में पसीना आ जाता है,
अब विवाद पर जांच की स्थिति में भगवान ही जाने क्या होगा। अब तो मुश्किल है कि कोई पेमेंट रिलीज हो जाए। साला लाखों का नुकसान बैठे बिठाए ही हो गया। एक मिनट, प्रकाश बीच में बोला, जैसे किसी नींद से जागा हो। चमन बाबू वाली बात पर थोड़ा जोर दीजिए। क्या मतलब कि जेल जा रहे हैं? प्रकाश भाई को हर पहली चीज से एक अलग सा ही लगाव है, अक्सर अटक जाता है। पहला स्कूल, पहली किताब, पहला प्यार, पहला सेमेस्टर, पहली गाड़ी, और वो सब जो समय के अभाव में हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए ना, हम कहां चमन बाबू से शुरू होकर लक्ष्मी हनुमान करते पेमेंट तक आ गए थे, पर अपना भाई अब भी अटका था हमारी पहली लाइन पर। हाँ, दूसरी मान लो, एक ही बात है। अब जोर क्या देना है? डब्लू थोड़ा जोर देकर बोला, निपट गए तो निपट गए, माना कलयुग है, पर कुछ लोगों को उनके कर्मों की सजा मिल जाती है। अब कलयुग हो चाहे जो, प्रकाश तनिक उत्तेजित सा हुआ बोला, ऐसे कैसे निपट जाएंगे अकेले, वो भी हमारे होते हुए। 5 साल से काम कर रहे हैं यार, अब दिक्कत आई तो हम निकल लें साइड से, हमारा भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। ओ कर्तव्य प्रेमी फूफा, डब्लू अपने ही लहजे में बोला, कौन सा कर्तव्य, काहे का कर्तव्य, किसी का कुछ नहीं बनता। कल तक कट रहा था तो बट रहा था, सबको बराबर बराबर, और अलग से बता रहे हैं तुमको, तुम ज्यादा सात काम का ज्ञान ना निपोरो। पता चला सात के चक्कर में सात का मरण हो गया। अब मरण हो तो हो, हम तो चमन बाबू के साथ ही खड़े होंगे। अबे अक्कल के धनी, तृप्त वार्तालाप के बीच में आकर हमने प्रकाश से कहा, पैदल चलते हो क्या तुम? मैटर तो समझ लो पहले, बाद में उछलना जितना उछलना है। कहां साथ खड़े हो जाओगे हा? कुछ पता तो कर लो पहले। वही तो पूछ रहे हैं कब से, तो पता नहीं डब्लू भैया क्या ज्ञान जाड़ रहे हैं। बेटा छत से कूद जाना, पर हमसे मार मत खाना, हम बता रहे हैं जीवन भर याद कर करके रोगे, डब्लू बोला। जाहिर है उसकी आवाज थोड़ी ऊंची थी, आज सबके ऊपर माता आ गई थी, कोई चुप ही नहीं हो पा रहा था। ऐसी स्थिति में समझदारी इसी में होती है कि थोड़ी देर चुप बैठा जाए और मामले को अलग से बाद में निपटाया जाए, ठंडे दिमाग का थोड़ा फायदा तो मिलता है। बस दिक्कत ये थी कि वहां कोई समझदार नहीं था। अरे हाँ भाई, हम थे वहां, पर क्या है कि दोस्ती के आगे हमारी समझदारी पी के टुन्न हो जाती है, फिर ना हमको कुछ समझ आता है और ना हम किसी को कुछ भी समझा पाते हैं। वैसे डब्लू और प्रकाश के जीवन में अगर कोई ज्ञानवान के आसपास भी है तो वो हम ही हैं, पर कभी कभी वो हमारी सलाह मानने से इनकार कर देते हैं। पूरी तरह से एक असंबंधित टिप्पणी पर अक्सर भी एक अच्छा शब्द है ना? खैर, हमारी शालीनता और डब्लू के अचूक अपशब्दों के मिश्रण के साथ बड़ी देर के बाद मैटर तीनों के बीच क्लियर हुआ। ध्यान दिया जाए कि अभी तक सिर्फ मैटर क्लियर हुआ था, करना क्या है अब भी एक बहस योग्य मुद्दा था। वैसे अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो इस पूरे वृत्तांत वार्तालाप को हम संक्षेप में निपटा रहे हैं, शॉर्ट में हमारा मतलब। गहराई में न जाने का कारण यह है कि इस पूरी बातचीत के दौरान हमारी एक भी बात नहीं सुनी गई। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ कहने की कोशिश नहीं की, अरे हमारी तो आंखें बोल देती है, पर फिर भी हमने बहुत कुछ कहा। जैसे लड़ाई के बीच में वो जो समोसे मंगवाए थे ना आम की चटनी के साथ, हमारा ही आइडिया था, फिर भी कोई इज्जत नहीं। तंग तो हम भी आ गए हैं यार, बुरा लगता है। अरे बुरा लगता है तो जाओ ना, डब्लू गुस्से में बोला, यहां काहे मुंह फाड़ रहे हो, आओ चले जाएंगे, प्रकाश उत्तेजना से पूर्ण आवाज में बोला। बीच में हुई बातचीत जो हम अपनी बेइज्जती होने से बचाने के लिए खा गए, उसका सार बता देते हैं।
अब तक प्रकाश समझ गया था कि चमन बाबू का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका है, पर मानना नहीं चाहता था। वो उनके आखिरी वक्त में उनका साथ देना चाहता था। उसे सही गलत का कोई परवाह नहीं था। उसके लिए तो बस पटेल बाबू का किसी भी तरह से इस समस्या से बाहर निकल जाना जरूरी था, फिर चाहे जहां उलझना पड़े। वहीं दूसरी ओर डब्लू को वकील साहब की बात जच गई थी। भाई को समझ आ गया था कि थोड़ा झूठ बोलना पड़े तो ठीक, पर समझदारी पतली गली से निकलने में है। उसने पूरी बातचीत में जिस तरह 3 बार चमन पटेल की तुलना उड़ते तीर के साथ की थी, हमको तो उसमें साक्षात अपनी अम्मा नजर आने लगी थी। उसके पैर हम बस इसलिए नहीं पड़े कि डायलॉग वायलॉग तो ठीक था, अपनी बात में वो अम्मा वाला स्वेग नहीं ला पा रहा था। अरे आसान है क्या? अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा? प्रकाश बोला, बस कह दो कोर्ट में कि हमने कुछ नहीं किया, बाकी इनका पता नहीं, और पटेल बाबू को डूबने दो कीचड़ में, वो चले जाएंगे जेल और आप लग जाओगे धंधे पानी में। पर उसके बाद क्या, कैसे जियोगे ये जानते हुए कि कोई उस गुनाह की सजा अकेले काट रहा है जिसमें हमारा भी बराबर का हाथ है? कैसे आएगी नींद रात में? आ जाएगी हमको नींद, डब्लू ने जवाब दिया, बहुत मस्त आएगी, और नहीं आएगी तो नींद की गोली खा लेंगे। पर सिर्फ इसलिए जेल नहीं जाएंगे कि कोई और भी जा रहा है, हम थोड़े सन की जरूर हैं, भोले भी हैं, पर पागल नहीं है। वो तो आपको भी नहीं पता किन्हीं कारणों से हम उस बातचीत में हुए गालियों के प्रयोग को बार बार दरकिनार कर रहे हैं। निवेदन ये है कि उपयुक्त स्थान पर सब अपने अपने हिसाब से खुद ही सोच लें कि कब, क्या, कैसे और किस भाव से कहा गया होगा। बाकी दोनों के बीच बातचीत बढ़ती गई, मुद्दा सुलझने की दशा से दूर जाता गया और बात वहां आकर रुकी जहां पर फ्लैशबैक शुरू हुआ था। भूले तो नहीं? हाँ, कर लेंगे हम खुद ही कुछ, प्रकाश गुस्से में बोला। तो जाओ ना बे, डब्लू 10% और ज्यादा गुस्से में बोला, जो करना है जहां करना है जैसे करना है कर लो, बस हमारे सामने मत आ जाना कभी, नहीं तो ऐसे निपटाएंगे कि निपट ही जाओगे। हाउ, डब्लू को अनदेखा अनसुना सब करते हुए प्रकाश बोला, कोनो माधुरी दीक्षित नहीं हो कि मर रहे हैं आपको देखने के लिए, कर लो बंटवारा, आप तो हमसे भी ना हो पाएगा आगे से ऐसे काम। समझ नहीं आता सिर है कि नारियल, साला कुछ घुसता ही नहीं इनके अंदर। अरे तंग आ गए हैं यार हम, अब तो कतई ना हो पाएगा हमसे, अब बस करो बे तुम दोनों। हम लगभग झुंझला गए थे, इतना ज्यादा कि हम कुर्सी छोड़कर खड़े होते हुए ऊंची आवाज में बोले, वैसे हम उठे पानी पीने के लिए थे, पर हमारे खड़े होते ही जैसा माहौल बना वो क्षण हम खोना नहीं चाहते थे। डब्लू और प्रकाश एक तरह से सकते में आ गए थे। टशन बरकरार रखते हुए हमने आगे कहा, क्या बंटवारा बंटवारा लगा रखे हो गए हैं? अम्मा कसम इतना तो चाचा और जिन्ना भी नहीं लड़ाए होंगे 1947 में। अपने टशन का रुख प्रकाश की ओर मोड़ा, ना कुछ सोचना है ना कुछ समझना है, बोलना है बस तुमको, अबे दिमाग लगाने की थोड़ी तो कोशिश किया करो, आसान है, सच कह रहे हैं, अब तो डब्लू भी लगाना सीख गया है, बहुत आसान है, पर नहीं करना तुमको सब कुछ बिना सोचे समझे ही है, अलग 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 अलग, अबे क्या अलग हो जाओगे हैं? और कहां जाओगे अलग होकर, जाओगे वो तो ठीक, किस लोगे तुम खुद की कहीं ना कहीं हमें पता है, पर किसके लिए? फिर आई बारी डब्लू की, और तुम बहुत ज्ञानी हो ना, किसी से भी कहीं भी लड़ने को तैयार हो जाते हो, बहुत धंधे वाले हो गए बिल्डर डब्लू पांडे, हाँ भूल गए जब बिल्डिंग के नाम पर बस शौचालय बनाया करते थे, भूल गए वो मंदी के दिन जब काम के लिए यहां वहां ठोकर खाते फिरते थे, भूल गए वो सब कुछ जो तुमने हमारे साथ सहा था, बड़े आए अकेले धंधे संभालने वाले, अभी साइन भी कर लेते हो ढंग से कि चल दिए बस टेंडर भरने। अब तो कसम से मजा आ रहा था बोलने में, छोटी सी बात हुई नहीं कि आ गई दरार, चले हैं बंटवारा करने, अबे फिल्मों में भी 2.5 घंटे लग जाते हैं दोस्ती टूटने में, तुमने तो साला 1/2 घंटे में ही सब बंटाधार कर लिया, वो तो फिर भी हीरोइन के लिए लड़ते हैं,
तो समझ आता है तुम काहे लड़ रहे हो बे। हम मानते हैं कि चमन पटेल के अलावा और भी कारण हैं, छोटे छोटे, जो जाने कितने सालों से सबके मन में दबे हुए हैं, पर वो तो हर धंधे में होते हैं, केस की आड़ में लेकर फूटने लगे। अरे धंधा छोड़ो, दोस्ती के ऊपर है क्या कुछ, बात करते हैं। छोटो, अबे पानी पिलाओ यार तुम। हमारी पूरी बात लगभग 4 मिनट तक चली, गालियों को हटाकर बस इतना ही बता पा रहे हैं अभी, बाकी लगा लो खुद ही दिमाग। अब तो प्रकाश भी समझ गया है कि आसान है दिमाग लगाना। अगर किसी को लग रहा है कि हमारे भाषण का किसी पर कोई असर हुआ होगा तो हम उसकी सोच को सलाम करते हैं तहे दिल से, पर सच्चाई ये है कि हमने तो बस एक बीन बजाया था दो भैंसों के आगे, पर ऐसा भी नहीं है कि कोई अंतर नहीं आया। अब छोटू हमको बिना बोले ही पानी पिलाया करता है, पर डब्लू और प्रकाश दोनों अब भी अपनी ही बात पर अड़े हुए थे। एक तरफ अम्मा की शिकायतें तो दूसरी तरफ धंधे में संभावित रुकावट, एक तरफ कोर्ट के चक्कर तो दूसरी तरफ पिंकी जी को लेकर असमंजस की स्थिति, कभी हां की उम्मीद तो कभी ना का डर। कम शब्दों में कहें तो जीवन डामाडोल और लुटिया डूबती हुई नजर आ रही थी। यह भी कह सकते हैं कि घड़ी दुविधाजनक थी, दीवार पर बाकायदा लगी तो थी पर चल नहीं रही थी, खराब हो गई होगी शायद, ऐसे देखने से सुधर जाएगी क्या, अम्मा ने हमसे कहा। यह सवाल तब आया जब उसी रात अपने कमरे में दीवार की ओर नजर गड़ाए हम कुछ सोच रहे थे। हम चाहते तो थे कि कह दे कि अभी घड़ी की इतनी औकात नहीं हुई है कि हम उसे देखें, पर ना तो ये किसी साउथ की मूवी का डब्ड सीन चल रहा था और ना ही इस बात में एक दिन के भर की भी सच्चाई थी। वैसे माहौल सही से समझाने के लिए हमको अपने कमरे के दृश्य और स्थिति का विवरण देना चाहिए, पर दिक्कत यह है कि अगर बता दिया तो लोग हमको जज करने लगेंगे, इसलिए नहीं बता रहे हैं। सूरज के 28 चक्कर काट चुके हैं, पर आज भी कोई दिक्कत आती है तो सबसे पहले अम्मा याद आती है। अब मां तो मां होती है, उस पर भी हमारी इतना डेडली कॉम्बिनेशन तो इंजीनियरिंग और एमबीए का भी नहीं होता। मजाक नहीं कर रहे हैं, मजाक तो ये कॉम्बिनेशन है। खैर, हमारी तो ये बचपन से ही आदत रही है कि कोई भी दिक्कत दुविधा समस्या या परेशानी हो तो बस अम्मा के आगे लाकर पटक दो, समाधान मिले ना मिले उसको देखने का नजरिया जरूर बदल जाता है। कहां दिक्कत आ रही है, हमारा कोई जवाब ना आने पर अम्मा ने थोड़ा जोर देकर पूछा। हमने अम्मा को सब कुछ पहले से ही बता रखा था, वो बात जो तब शुरू हुई थी जब चमन बाबू के ऑफिस से हमको रोड बनाने का पहला काम मिला था, वो बात जो कोर्ट का बुलावा आने पर खत्म हुई। हाँ, खत्म नहीं हुई हम जानते हैं, बल्कि एक नई कहानी शुरू हो गई, पर अब फ्लो फ्लो में निकल ही गया तो चला लो, ज्यादा छोटी छोटी बातें ना पकड़ो। हाँ बढ़िया है। हाँ तो हम कह रहे थे कि हम अक्सर अम्मा को सारी बातें बताते हैं, क्या क्यों कब कैसे सब। एक तो जो सुबह वकील साहब द्वारा मिले ज्ञान पर असमंजस था और दूसरा शाम को जो डब्लू और प्रकाश ने गुड़ गोबर किया था, बस यही अम्मा से छुपा था। और छुपा भी क्या था हा? और कितनी देर, हमको देखकर ही अम्मा सब भाप गई, अंतर्यामी काम थोड़ी है। डब्लू और प्रकाश आज झगड़ लिए, हमने कहा। वो तो दिख रहा है तुम्हारी शक्ल में, पर ऐसी कौन सी बात हो गई कि लड़ना पड़ गया। अब क्या बताएं अम्मा, सब खेल उस केस ने उलझा रखा है, और तो और उस कमबख्त वकील ने सबका दिमाग अलग फेर दिया है। डब्लू तो अब कुछ और सुनना ही नहीं चाहता, कह रहा है जो हो रहा है होने दो और चुपचाप गवाही दे आओ कि चमन पटेल को हम जानते भी नहीं, और इधर प्रकाश कह रहा है कि पटेल बाबू के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा, आखिरी तक साथ देगा। तो क्या दिक्कत है। दिक्कत ये है कि दोनों लड़ रहे हैं, धंधा अलग करने की बात कर रहे हैं, बीच में फंसे हैं हम,
और हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत। बेटा यूं तो ज्ञान बहुत है हमारे पास, तुमको बगल में बैठाकर झाड़ भी सकते हैं, पर क्या है कि ये जो गलत सही समझने निकले हो ना तुम, वो कभी भी नहीं आने वाला, ना हमारे समझाने से और ना ही ना समझाने से। असल में गलत सही जैसा कुछ होता ही नहीं। आज जो गलत है वो कल सही हो सकता है, कल जो सही था आज गलत हो सकता है, जो हमारे लिए सही है वो किसी और के लिए गलत हो सकता है, जो किसी और के लिए सही है वो हमारे लिए गलत हो सकता है। तुम तो बस वो कर सकते हो जो तुम्हारा दिल चाहता है, और तुम क्या, हर कोई वही करता है जो उसका दिल चाहता है। दिल के खिलाफ जाकर कुछ करना एक तरीके से दिल का कहना ही तो मानना है। सब नजरिए का खेल है बबुआ। इसके बाद रेडियो चलता रहा और अम्मा लगी रही ये समझाने में कि क्यों हमारा कुछ भी समझना जरूरी नहीं है। आज हम वो अम्मा वाला पूरा ज्ञान यहाँ नहीं उड़ेल रहे, इसलिए नहीं कि हमको किसी पर दया आ रही है, वो तो बस थोड़ा लंबा हो गया था तो बताने में आलस आ रहा है। हमारी अम्मा से हुई पूरे 52 मिनट की बातचीत के 3 सार निकले। एक तो ये कि सही गलत जैसा कुछ भी नहीं होता, दूसरा ये कि अगर होता भी है तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, और तीसरा ये कि अम्मा से 52 मिनट बात करना जहन के लिए हानिकारक है। कसम से सब घूम जाता है, यूं निकालने जाए तो और भी सार निकल जाएंगे शायद, पर कहा ना फर्क नहीं पड़ता। वो दिन जैसा बीता और जो हमारा हाल हुआ था, हम पूरी तरह से टूट चुके थे, कह देना नाकाफी होगा। कभी कभी तो लगता है कि बस कोई आकर कह दे कि आपके साथ एक छोटा सा मजाक हुआ है, सब ठीक है, शायद कोई तसल्ली आ जाए, पर नहीं, कोई क्यों करेगा मजाक हमारे साथ।